अस्सलाम वालेकुम, WP गाइड में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरीके से अपना एक ब्लॉग जो है या न्यूज़पेपर वेबसाइट किस तरीके से बना सकते हैं। और ये थीम है, हम आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा जहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने ट्यूटोरियल की जानिब। तो सबसे पहले ये वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है जिसमें मैंने थीम को इंस्टॉल कर लिया है। और सबसे ऊपर आप देख लें यहाँ पे जिसका जो है ऑप्शन पैनल शो हो रहा है जिसे कहते हैं जे न्यूज़। जब आप इंस्टॉल करेंगे इसके बाद आप इसको एक्टिवेट करेंगे तो आपकी विंडो भी वो इस तरीके से शो हो जाएगा। तो आपने सबसे पहले डैशबोर्ड में जाना है, यहाँ से आपने इंस्टॉल प्लगइन पे क्लिक करके सबसे पहले आपने प्लगइन जो है वो इंस्टॉल करने हैं। तो अभी देखते हैं, इसमें मैं आपको इसका डेमो डाटा जो है वो भी दिखाऊँगा किस तरीके से हम इसको इम्पोर्ट कर सकते हैं, उसकी सेटिंग किस तरीके से कर सकते हैं। तो ये इसका लेटेस्ट वर्जन है 8.1 है। और इसमें सबसे पहले देख लें ये ऊपर जो है आपको उसका मुझे इन्फॉर्मेशन शो कर रहा है। यहाँ से आप इंस्टॉल प्लगइन पे क्लिक करें तो तमाम प्लगइन जो है इंस्टॉल हो जाएंगे, या आप यहाँ से नीचे इंस्टॉल प्लगइन की विंडो पे चले जाएं तो यहाँ से भी आप प्लगइन को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने प्लगइन को इंस्टॉल किया है। अगर आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो इस तरीके से शो होंगे, और अगर आप नहीं इंस्टॉल करेंगे तो नीचे आप प्लस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से शो कर रहा है कि आपने ये प्लगइन अगर इंस्टॉल करना है तो इंस्टॉल पर क्लिक करें, और यहीं से आप इसको प्लगइन को एक्टिवेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ से तकरीबन मैंने जो है रिक्वायर्ड और रिकमेंड प्लगइन जो है वो इंस्टॉल कर लिए। इस तरीके से आपने जस्ट इस पर इंस्टॉल पे क्लिक करना है, उसके बाद ये प्लगइन यहाँ से इंस्टॉल हो जाएगा, उसके बाद आपने यहाँ से इसको एक्टिवेट कर लेना है। तो इस तरीके से आप रिक्वायर्ड और रिकमेंडेड प्लगइन जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको इम्पोर्ट डाटा डेमो एंड स्टाइल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप जो है डेमो वो इम्पोर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने प्लगइन इंस्टॉल करने, उसके बाद यहाँ से आप कोई भी डेमो देख लें। ये देखें बहुत सारे इसमें डेमो है, इसमें न्यूज़पेपर के हिसाब से टच न्यूज़ भी है, इसमें आम न्यूज़ भी है, इसमें फूड न्यूज़ भी है, ट्रैवल। आप नीचे जाएंगे तो बहुत सारे इसमें डेमो आपको नज़र आएंगे। ये तमाम इसके डेमो हैं, आप किसी पर भी क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये एक सिंगल थीम है, इन्होंने बहुत सारे डेमो दिए हुए हैं और इसमें बहुत सारी फ़ीचर हैं। ये देखें या कुछ दिखा रहा है कि इंस्टॉल प्लगइन, यहाँ से भी अगर आप वहाँ से प्लगइन इंस्टॉल नहीं करेंगे तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से बाद में प्लगइन इंस्टॉल हो जाएंगे। लेकिन रिकमेंडेड यही है कि पहले आप प्लगइन को इंस्टॉल करें, फिर किसी थीम का यहाँ से डेमो इंपोर्ट करें। तो नीचे जाते हैं जाएँ तो देखिए इन तमाम है, इसमें वीडियो भी आई, अभी मैंने इंस्टॉल किया है तो यहाँ से शो रहा है इम्पोर्टेड, तो मैंने ये इंस्टॉल किया है। उसके बाद ये है जी, हम इसको इम्पोर्ट करते हैं। यहाँ पे आपने बस अगर सिर्फ प्लगइन इंस्टॉल करने हैं तो इसको चेक मार्क रहने दें और बाकी को आप क्लोज़ कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये यहाँ पे स्टाइल जो है वो इसका इम्पोर्ट नहीं होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तमाम चीज़ें यहाँ से इम्पोर्ट हो। तो इम्पोर्ट डेमो पे क्लिक करें, ये आपसे पूछेगा कि आपने क्या तमाम डाटा इम्पोर्ट करना है, तो आपने बस जस्ट ओके पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ से देखें ये लिखा आ रहा है कि डोंट रिफ्रेश पेज एंड वाइल प्रोसेसिंग, तो आपने जस्ट थोड़ी देर यहाँ पर वेट करना है जब तक ये डेमो को इंस्टॉल नहीं करता। तो अब देखते हैं कितनी देर में इसको इंस्टॉल करता है, फिर आपको इसका जो है वेबसाइट शो कराऊंगा। बहुत सारी इसमें वेबसाइट हैं जो आप जस्ट वन क्लिक करेंगे और डेमो आपको इंस्टॉल हो जाएगा। तो अभी यहाँ से इमेजेस जो है उन्हें इंपोर्ट कर रहा है और नीचे लिखा भी आ रहा है इम्पोर्टेड इमेजेस। एक सिंगल जो है वेबसाइट में बहुत सारे मल्टीपल डेमो हैं, देखिए मेरे ख्याल में 20 से ज़ायद होंगे या उससे भी शायद ज़ायद होंगे इसमें जो डेमो इन्होंने लिख दिए हुए हैं। वो आपको बस ये एक थीम इंस्टॉल करना है, इसमें आपको मल्टीपल डेमो आपको मिलेंगे और जस्ट वन क्लिक के आप इनको इंस्टॉल कर सकते हैं। उनकी कस्टमाइजेशन का ऑप्शन भी यहाँ पर है, आप यहाँ पे जाएँ तो कस्टमाइज स्टाइल पे क्लिक करें तो आप इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, यानी कि इसकी जो चेंजिंग आप करना चाहें तो वो कर सकते हैं। और जो डेमो पोस्ट होंगी ये तमाम जो है ऑल पोस्ट में आ जाएंगी, यहाँ से आप ऑल पोस्ट पे जाएंगे तो तमाम की तमाम डेमो पोस्ट जो इस डेमो वर्जन के साथ आई हैं वो यहाँ पर होंगी। आप चाहें तो उनको डिलीट कर लें, चाहे उनको एडिट कर लें और अपनी पोस्ट के साथ उनको रिप्लेस कर लें। और अब ये यहाँ पे पोस्ट को इम्पोर्ट कर रहा है, यहाँ पे डेमो मैंने कंप्लीट यहाँ से इंस्टॉल किया है इसलिए ये अभी टाइम ले रहा है।
ये देखें जो इंस्टॉल हो चुका है, यहाँ पे मैसेज भी शो हो चुका है कि इंस्टॉल प्रोसेस सक्सेस। तो अब यहाँ से हम जाएंगे अपनी वेबसाइट को चेक करेंगे कि यार तमाम डाटा जो है वो ठीक से इंपोर्ट हुआ है, तो यहाँ से देखते हैं। तो ये देखें मैंने वीडियो पे क्लिक किया था और ये तमाम की तमाम वीडियो जो है डेमो डाटा में यहाँ पर आ चुकी हैं। ये इसका जो है मेन्यू है और डेमो पोस्ट में है। ये वीडियो भी YouTube से यहाँ आ चुकी है। तो आप पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो तमाम की तमाम यहाँ पे आपको पोस्ट मिल जाएंगी, जहाँ से आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। देखें किसी भी पोस्ट को ऐड करना चाहें तो यहाँ से क्लिक एडिट पे क्लिक करें तो आप उसको एडिट करके अपना डाटा उसमें ऐड कर सकते हैं। ये इन्होंने पूरा कॉलम लिखा हुआ है यहाँ पर, तो इतनी देर में मैं आपको कॉलम लिख के नहीं बता सकता, तो आपको ये खुद ही करना होगा। नीचे इसके ऑप्शन में जाएँ तो यहाँ पर वीडियो का ऑप्शन है, 3 सेकंड का यहाँ पर वीडियो दिया है। नीचे चले जाएँ तो इन्हें नीचे ये वीडियो का जो है यहाँ पे आप कोई MP4 उसका फॉर्मेट भी दे सकते हैं। ये YouTube के नीचे आपको एम्बेड कोड मिल जाता है, जो यहाँ से आप इसको ऐड कर सकते हैं एम्बेड कोड के ज़रिए से, या डायरेक्ट यहाँ पे सोर्स URL में आप YouTube का लिंक भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप वीडियो इसमें इम्पोर्ट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।